सर जी ये पेट्रोल वाला है क्या? नमस्कार किसान भाई, मैं आप सभी का रमेश भाई और आप सभी का स्वागत है आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल फास्ट क्रिएटर में। किसान भाई आज मैं आया हूँ यूपी चलकर पंजाब लुधियाना के अंदर और आज मैं आपको पावरफुल रीपर दिखाने वाला हूँ जिसकी सहायता से किसान भाइयों आप बिजनेस बहुत बढ़िया कर सकते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैं अच्छा हूँ बेटे। ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया, बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। अरे भाई साहब बिजनेस अच्छा तभी कर सकते हैं जब अगर मशीन में ताकत होगी। अगर भाई बेटे पैसे भी लगे ताकत नहीं होगी तो बिजनेस नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सर। ये हमारा जो तूफान मॉडल है ये ऐसा तूफान है जो तूफान की तरह चलेगा और तूफान की तरह काट देगा और तूफान की तरह गरजेगा। अरे भाई इसमें हमने पेट्रोल वर्जन जो कि 8.5 HP का है या डीजल वर्जन ये भी 8.5 HP का है जी, सर, और ये हमारा मिनी। अरे भाई जिन्होंने इसके कम खेती है छोटी खेती है उनके लिए हमने ये लॉन्च किया है। सर ये बैठने के लिए सीट ये फ्री दे रहे होगे? ये भी बोलेंगे कर देंगे। ये मेरे फार भाई पैदल भी चल सकते हैं बैठ के भी चला सकते हैं। सर मार्केट में आपने तहलका मचा रखा हुआ। अरे शुक्रिया। अरे तूफान के देखिए ये तो भगवान जगन्नाथ की कृपा है, जो कृपा हो गई है तो हमने ये डिजाइन करने में कामयाब हो गई जी। अच्छा अच्छा सर ये रीपर जो देख पा रहे हैं 2 फीटा इसमें क्या खासियत है? अरे भाई साहब पहले तो इसमें हमने जो गियर लगाए हैं जी ये 3 गियर का उपयोग किया गया है। अच्छा देखिए पहला जी जी तीसरा जी ठीक है भाई साहब जी जी और ये बड़ी ही स्पीड से चलता है। अच्छा फार्मर भाइयों के लिए है जिनके तंग खेत है कम चलाना है उनके लिए है। अच्छा दूसरी बात ये है ये डबल फिरकी का है ये भी गिरी हुई फसल को आसानी से काट देता है। सर वादा करो वीडियो के माध्यम से गिरी हुई फसल काट देना चाहिए। काटेगा बेटे आपको अभी गिरा नहीं मौसम इस बार सही है। पिछली बार गेहूं के सीजन में हमने खूब बेचा है वहाँ पे जितने भी फार्मरों का गिरा हुआ फसल था वो प्रॉपर कटाई। सर हमारे यूपी में लगभग 80% धान गिर गए हैं। अरे भाई साहब अगर गिरा हुआ है ना जी तो तूफान के बिना मेरा चैलेंज है जी तूफान रिपर के बिना कोई भी रिपर कार्य नहीं कर पाएगा जी। बिल्कुल भाई साहब मेरे फार्मर भाई हैंडल भी इसका ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए फार्मर भाई देखिए इसको दबाना है कितना भी ऊपर और कितना भी नीचे मेरे फार्मर भाई कर सकते हैं। और इसके जो टायर भी हैं ये भी हमने स्पेशल दिए हैं ताकि चाहे छोटा है लेकिन कार्य पूरा करना चाहिए इसलिए टायर भी प्रॉपर दिए हैं ताकि पत्थर में चलेगा तो टायरों में प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। घंटे के अंदर अरे पेट्रोल का कंजम्पशन बड़ा कम है इसका मात्र 0.5 लीटर का है और ये जो इसका इंजन लगा हुआ है ये 208 cc का लगा हुआ है ये देखिए और पेट्रोल बड़ा कम खाता है 0.5 लीटर है और 4 स्ट्रोक का इसमें इंजन लगा हुआ है भाई साहब। फिर मैं आता हूँ इसके ऊपर जो हमारा तूफान जिसके ऊपर अब पी लगा दिया पी का मतलब है पेट्रोल ये तो बड़ा जबरदस्त है। मेरे किसान भाइयों ने पहले गेहूं के सीजन में सबसे ज्यादा प्यार मुझे हमारी कंपनी को तूफान के कारण ही दिया क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसने गिरी हुई फसल को काटा ताकि मेरे फार्मर भाई को अच्छा पैसा कमा सका। ये डबल फिरकी का जो उपयोग किया गया है ये गिरी हुई फसल काटने के लिए ही होता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये देखिए इसके जो टायर हैं बड़े हैं और ये टायर भी ना जी अंदर बाहर तंग फार्मर भाई कर सकता है। अगर फार्मर भाई चाहता है कि ये अंदर चले जाए ये अंदर मतलब डिस्टेंस के मुताबिक इसको फार्मर भाई एडजस्ट कर सकता है। और 8.5 HP का हमने इसमें इंजन लगाया है और इसमें 8 गियर है। आपने इसमें 8 गियर दिए ट्रैक्टर में 8 गियर नहीं तो आपने इसमें 8 गियर क्यों दिए? अरे भाई साहब आप पीछे आ जाइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 8 गियर का कार्य क्या है। अरे भाई साहब 8 गियर का क्या मतलब है? जब मेरे फार्मर भाई ने घर से खेत को जाना है उस टाइम स्पीड ज़्यादा होती है तब फार्मर भाई ने इसको हाई पे कर लेना। हाई का मतलब हो गया ये ज़्यादा स्पीड में चलेगा जैसे ये फिर पहला गियर हो गया तब इस जहाँ पे फार्मर भाई की 20 की स्पीड रहेगी। उसके बाद दूसरा गियर हो गया ये देखिए जहाँ पे मेरे फार्मर भाई 40 की स्पीड से चलेगा। जब फार्मर भाई ने ये तीसरा गियर लगा दिया तब ये इसकी जो स्पीड रहेगी तकरीबन 60 km/h की रहेगी। अगर फार्मर भाई ने यहीं पे बैक करना है उतनी ही स्पीड पे ये बैक गियर लगा देना उतना ही पीछे आ जाएगा। हाँ जब फार्मर भाई ने खेत में काटना है उस टाइम फार्मर भाई ने ये वाला जो पहले वाला गियर है इसको लो की तरफ कर देना है। ये देखिए लो हो गया। अब गियर का काम अलग से तरीके से हो जाएगा। देखिए ये पहला गियर हो गया ये फिर दूसरा गियर हो गया तीसरा गियर हो गया उस टाइम कम तक स्पीड काफ़ी कम हो जाएगी उसी तरीके से काटेगा। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता बताऊं जो ये आगे का जो रिपर है अगर फार्मर भाई ने किसी और काम में लेना है जैसे ट्रॉली चलाना है वाटर पंप चलाना है स्प्रे पंप चलाना है मेरे इस तूफान में ये आगे से निकल जाएगा और यहाँ पे इसका अलग कार्य हो जाएगा। और स्पेशल जो हुक भी हमने दी है ना पीछे ट्रॉली जोड़ने के लिए ये भी हमने ढलाई में ही दे दी है देखिए प्रॉपर हैवी किया है
तकरीबन 2 टन वजन अगर फारूक भाई ने चलाना है ट्रॉली का, तो ये 2 टन वजन भी खींच लेगा। अच्छा, और जो आपने इसमें जो ट्रॉली दे रखी है, ट्रॉली जो हमारे यहाँ चला सकता है? अरे वो तो सीट दिया हुआ है बेटा, अगर ट्रॉली में कोई वजन ढोना है तो फारूक भाई ये रिपर को हटा देगा ये 4 नट खोल के, और ये ट्रॉली का कार्य करने लग जाएगा। अच्छा, नट खोल के यहाँ से जो जो ट्रॉली चला सकता है? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सर वाकई में तूफान मचाएगा, ये तो 8 गियर है इसके अंदर। अरे मैंने पहले ही बोल दिया था जो हमारा तूफान मॉडल है, ये तूफान की तरह जैसे तूफान आता है ना, तो तूफान की तरह ही फसल को काट देता है भाई साहब। सर सर जी अब बात करते हैं, ये मैं देख रहा हूँ रीपर आपका, ये चैन में है, एक आता है पट्टे में भी, चैन में आपने क्यों दिया सर? बेटे अपने अच्छा क्वेश्चन किया है जी, जो चैन वाला रिपर होता है ये अच्छा होता है जी, पट्टे वाला रिपर इसको खड़खड़ की आवाज बहुत करता है। अच्छा, और पट्टा स्लिप भी कर जाता है, कई बार फसल बीच में छोड़ देता है जी। वैसे मैं पट्टे वाला रिकमेंड नहीं करूंगा फार्म भाई को, क्योंकि पट्टे वाला जो रिपर होता है ना ये अक्सर स्लिप हो जाता है, टूट भी जाता है, तो फार्मर अच्छा कार्य नहीं करता। जो चेन होती है ना जी, जी। ये भाई साहब बुल्ट, जो बुल्ट में लगी होती है ना, बुल्ट आप जानते होंगे मोटरसाइकिल, वही ये चेन का उपयोग किया गया है। ये कभी भी मेरे फार्मर भाई की ना तो चेन टूटेगी ना ही ये घिसेगी। अच्छा, अब बात करते हैं सर इसके पेट्रोल की खपत कितने रहने वाली है सर इसकी? देखिए भाई साहब जो ये 8.5 HP का है, तो इसका जो पेट्रोल का कंजम्पशन रहेगा तकरीबन 600 ml रहेगा। अच्छा, कितने एरिया को एक बार लेके जाएगा सर ये भाई साहब? देखिए तूफान की तरह काटता है ये, मेरा फार्म भाई का 1.5 घंटे में 1 हेक्टेयर आराम से काट देता है जी। अच्छा, इसकी ब्लेडों की क्या क्वालिटी रहने वाली है सर? जैसे ये भाई साहब जो ये ब्लेडों की क्वालिटी है वो EN8 स्टील का है, ये काफी महंगा होता है ब्लेड, इसलिए ये तकरीबन 100 हेक्टेयर काटने की कैपेसिटी रखता है, इसमें EN8 का उपयोग किया गया है। जैसे कि तूफान डी मॉडल है ये, इसका इंजन किस क्वालिटी का है? क्योंकि इंजन है सर इसका दिल, जैसे आपका दिल धड़क रहा है ना, बिल्कुल भाई ऐसे ही इसका इंजन तूफान का मैं मानूंगा, मैं इसे क्वालिटी वाला होगा। देखिए भाई साहब इसमें हमने डीजल का इंजन लगाया है, पी का मतलब होता है पेट्रोल। अच्छा, इसमें हमने पेट्रोल का दिया है, डीजल का दिया है, यही फर्क है, ताकत सेम है। और डीजल में कई फार्मर भाई कंफ्यूज होते हैं, डीजल का लें पेट्रोल का लें, पड़ोसी बोल देता है भाई डीजल का ऐसे है या पेट्रोल का है, अरे ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ताकत सेम रहती है। कई जगह पे ऐसा है जैसे कश्मीर हो गया, जम्मू हो गया, या कई जगह पे वेस्ट बंगाल हो गया, वहाँ पे क्या होता है पेट्रोल को केनी में नहीं देते किसान को या किसी को भी नहीं देते, वहाँ पे डीजल का ही चलना चाहिए। हाँ। जहाँ पे पेट्रोल केन में मिल जाता है पेट्रोल वाले पास दे, वहाँ पे पेट्रोल का लीजिए, ताकत सेम है, कार्य सेम करेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। कई किसानों को कंफ्यूजन थी, आज मुझे लगता है भाई साहब आपकी वीडियो के माध्यम से मेरे फार्म भाइयों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। सर जी ये क्या लगा दिया तुम तो ना, आपने ऊपर ये जो लगा दिया भाई साहब, ये तुम तो ना क्या है, नया नया करते रहते हो सर आप ही जो है। भाई साहब देखिए सच में हमारी R&D हम काफी कोशिश करते हैं, R&D के ऊपर काफी सर्च करते हैं। डीजल में क्या होता है सांस ज्यादा लेता है डीजल का इंजन, और अगर सांस लेगा ना जी, अगर एयर क्लीनर जहाँ पे होता तो जल्दी सांस लेगा तो मिट्टी धूल अंदर चली जाएगी और मशीन जल्दी खराब हो जाएगी, इसलिए हमने एयर क्लीनर को हाइट पे लगा दिया, तो क्योंकि धूल मिट्टी यहीं पे रह जाएगी तो हमारा जो इंजन है फार्म भाई का सालों साल चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसे कि इसके अंदर मोटे टायर है, उसके अंदर मैं देख रहा हूँ जो मिनी वाला है उसके अंदर पतले हैं, इसके अंदर भी मोटे हैं, तो मोटे देने का कारण क्या है ये बताइए सर? मोटे वाले कई बार मिट्टी जैसे कई बार कंकर होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कई बार क्या होता है मिट्टी काफी चिक्कड़ वाली होती है, कई बार रिपर मैंने देखा है कई किसानों के कीचड़ में फंस जाते हैं, कोई दान होता है ना आसाम की तरफ जाएंगे या उड़ीसा की तरफ जाएंगे वहाँ पे जो कटाई होती है कीचड़ में होती है, तो मैं खुद गया था जी अभी जाके आया हूँ, जे भी मैं गुवाहाटी से मुझे माता कामाख्या देवी माता जी के दर्शन हुए, ये भी के वहीं पे मिला मुझे माता जी का कामाख्या जी का पूरा आशीर्वाद मिल गया आपको, जब भी तूफान लॉन्च कर दिया आपने शानदार वाला। तो वहाँ पे क्या होता है ये काफी हैवी होते हैं और पत्थरों के ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं आती, कीचड़ वाले खेत में भी नहीं दिक्कत आती, और सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी आपको बताया है ये टायर भी हमने एडजस्टेबल किए हैं। देखिए जो ये शाफ्ट है ना जी, ये जहाँ से हम खोलेंगे ये टायर अंदर बाहर कितना भी आप तंग बाहर कर सकते हैं। सर जी बिजनेस की बात करता हूँ मैं, मेरा किसान भाई मजदूरों की जैसे धान पीछे खड़े हुए हैं ना, पीछे मतलब धान कटवाएगा जैसे, तो 1 एकड़ में कम से कम 3000 रुपए खर्चा आएगा, ये आपका 1 एकड़ को कितने रुपए में कर देगा काम ये बताओ। देखिए ये मात्र देखिए 600 ml से ज्यादा चाहे पेट्रोल का हो डीजल का लेगा हाँ। नहीं मतलब कि तकरीबन मैं 65 रुपये में ये 65.5 घंटे में 1 हेक्टेयर काटेगा, 65 तकरीबन 100 रुपये में 1 हेक्टेयर की कटाई हो जाएगी, मतलब कि 100 रुपये में 1 एकड़ की कटाई होने वाली है, एक पूरे हेक्टेयर की, मुझे एकड़ का नहीं पता हेक्टेयर का पता है, जो कि 200x220 फीट का होता है उसकी 1.5 घंटे में कटाई कर देगा, तूफान होना चाहिए, मतलब कि तूफान दिन भर में कमाए तो पैसा जो मैंने कहा था वीडियो की शुरुआत में कि 5000 कमा लेगा, 5000 कमाएगा ऊपर से कमा सकता है, ज्यादा कमा सकता है भाई, ज्यादा कमा सकता है, मतलब कि 12 मासी 300 दिन
बिजनेस कर सकता है, कौन कौन सी फसलें काटेगा सही भाव, अच्छा पैसा कमा सकता है। राजा भाई पहली बार मैं देख रहा हूँ डीजल मॉडल रिपर में आपने सेल्फ दे दिया है, जहाँ लोग की सोच खत्म होती है वहाँ से आप शुरू कर देते हैं। अरे शुक्रिया शुक्रिया मेरे भाई शुक्रिया। देखिए भाई साहब का असली तूफान तो मजा आता नहीं कर दिया बिल्कुल। अरे असली तूफान तो अभी आना बाकी है, जरा बेटे दूसरा तूफान लेके आओ अपना बताओ जाना। सर जी ये पेट्रोल वाला है क्या? अरे भाई साहब तो बड़ा डॉक्टर को फोन कर दिया। हिंदुस्तान में हमारे किसी भी दुकानदार भाई ने तूफान आज तक पेश ही नहीं किया भाई साहब। अच्छी बात यह है कि जो है पुराल को बिल्कुल नीचे से काट के ला रहे भाई साहब। ये देखिए अभी ये प्रॉपर पका भी नहीं है फिर भी ये देखिए मात्र एक दो इंच से काटता हुआ जा रहा है। मतलब कि किसान की पुराल भी बेकार नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। कमाल कर दिया किसान भाइयों कमाल। अरे पर देखो जैसे राजा भाई ने बोला था दरअसल बात हो रहा है किसान भाइयों। राजा भाई ये डीजल वाला इनने सफाई के साथ काटा, ये तो मैं बहुत खुश हूँ इससे देख लो। शुक्रिया शुक्रिया। राजा भाई तूफान का काम खेत में तो देख लिया आपने, कहा था कि रोड के गियर अलग है, रोड की स्पीड अलग है, देखेंगे जब मानेंगे कि अलग है। बिल्कुल सही बात है, जो अभी हमने ये चला के दिखाया था फार्म भाई को, पहले यहाँ पे लो किया था, फिर पहला और दूसरा तीसरे में करके दिखाया था। अब क्या करना है, जैसे रोड पे जाना है मेरे फार्म भाई ने, तो मेरे फार्म भाई ने क्या करना है, इसको ये हाई पे कर दिया जी, तब पहला दूसरा तीसरा कितनी स्पीड पे चलेगा वो आपको, और पीछे सीट लगा के कैसे चलेगा फार्म भाई, कैसे घर से कहीं जा सकते हैं आसानी से। और मैंने वादा किया कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलेगी, वो अभी आपको चला के दिखाता हूँ। राजा भाई अपने तूफान मॉडलों की गारंटी वारंटी क्या रहने वाली है? भाई साहब देखिए अकेला तूफान नहीं, जितनी भी मेरी कंपनी के प्रोडक्ट हैं सभी को हम गारंटी देते हैं, वारंटी देते ही नहीं है। मेरे फार्म भाई से भी गलती हो से टूट जाए फूट जाए, एक साल में गारंटी दूंगा। वारंटी का फर्क होता है भाई, वारंटी में क्या होता है रिपेयर लगे होती है और सामान के पैसे लगते हैं, मैं और मैं गारंटी दूंगा कुछ भी मेरे फार्म भाई का खराब हो जाए, उनकी गलती से भी खराब हो जाए चेंज ही कर दूंगा। हाँ बिल का फोटो और जो मशीन जो खराब हो गया उसका फोटो भेज दीजिए, एक साल का पूरा गारंटी दूंगा, वारंटी नहीं दूंगा। देख रहे ना यूट्यूब पे वादा कर रहे हैं? अरे भाई साहब मैं पूरे समाप्त होने वाले, अरे भाई साहब हिंदुस्तान को वादा कर रहा हूँ, अकेला यूट्यूब पूरे हिंदुस्तान के फार्म भाइयों को वादा कर रहा हूँ भाई, 2025 का तोहफा आपके लिए। अरे भाई साहब मेरे किसान भाइयों के लिए ये बेहतरीन तोहफा साबित होने वाला है जो तूफान मॉडल है। राजा भाई किसान घर बैठे कैसे खरीद सकता है इसे, क्योंकि किसान तो बहुत दूर बैठा है आपसे। बिल्कुल सही बात है, मेरे किसान भाई हमारी कंपनी में विजिट कर सकते हैं जो कि हमारी लुधियाना मलेरकोटला रोड पे है, यहाँ पे प्रॉपर काट के भी दिखा देंगे, रहने का और खाने का प्रॉपर प्रबंध किया गया है। जो मेरे फार्म भाई ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं उनको कंपनी का करंट अकाउंट भेज देंगे, उन्होंने मात्र 5,000 रुपया डलवाना है और एड्रेस भेज देना, जब मशीन उनके राज्य में पहुंच गया तब बाकी का पेमेंट उन्होंने अकाउंट में उसी में फोन पे गूगल पे कर देना है, डिलीवरी बिल्कुल फ्री की जाएगी, डिलीवरी का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। अच्छा भाई इसका प्राइस क्या रहने वाला है? अरे जो हमारा जो भाई साहब जे वाला है जो मिनी है ये, इसकी जो कीमत रहेगी 90,000 रुपये रहेगी, और जे हमारा तूफान
जो कि पेट्रोल वर्जन है, ये भाई साहब 1,40,000 का रहेगा, और ये भाई साहब हमारा जो डीजल वाला है इसका जो प्राइस है मात्र 1,50,000 का रहेगा। दोनों ही 8.5 HP के हैं। राजा भाई, ये जो बग्गी जैसी दिख रही है, पुराने जमाने में बैलों के समय में जो हमारे दादा परदादा होते थे वो इस बग्गी पे बैठ के कुछ हल चलाया करते थे, तो इसका क्या प्राइस रहने वाला है? इसका जो प्राइस है, ये भाई साहब कुर्सी बोलते हैं, आपके शायद बिहार में बग्गी बोलते होंगे, इसका जो प्राइस है मात्र 15,000 रुपया रहेगा जी। राजा भाई, इतना दूर बिहार से आया हूँ और किसान भाइयों के लिए इसका भी प्राइस लीजिएगा। चलो बेटे, आपने बोल दिया, मैं जो भी फार्म भाई लेंगे ये हमारा मशीन, उनको ये हम जो सीट है जिसको आप बग्गी बोल रहे, ये सभी फार्म भाइयों को फ्री में दिया जाएगा, इसका कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। मतलब ये फ्री दे दीजिए? बिल्कुल फ्री दे देंगे भाई साहब। अब सर, राजा भाई, दीपावली आ रही है और दशहरा आ रही है और किसान भाइयों के लिए कुछ तो डिस्काउंट करो। अरे भाई साहब, हमने कभी किसी का निराश नहीं किया, मेरे फार्म भाई इस दीपावली बड़ी धूमधाम से मनाने वाले हैं, और क्योंकि दीपावली सभी कहते हैं कि लक्ष्मी घर में है, दशहरा होता है वो वहाँ पे बुराई के ऊपर शाही की जीत प्राप्त करनी है। अरे भाई, आपने बोल दिया हम स्पेशल 5,000 का डिस्काउंट करेंगे, जय वाला मिनी तूफान हम मात्र 85,000 में, जय वाला जो तूफान है जो पेट्रोल के साथ है 1,30,000 रुपये का, वो वाला जो डीजल वाला हमारा तूफान है ये मात्र हम 1,50,000 में देंगे, और कुर्सी बिल्कुल फ्री है। ये जो जो ऑफर है मेरे किसान भाइयों के लिए दीपावली तक ये छूट उपलब्ध रहेगी, उसके बाद वो जो 5,000 वाला डिस्काउंट है वो नहीं दे पाएंगे। मैं चाहता हूँ ये दिवाली हमारे फार्म भाई खुशियों से मनाएं और खुश रहें, हंसते रहें। सर, जैसे कि हमारे किसान के भाई पैसे कम होते हैं तो सस्ता हो सकता है ये? बिल्कुल सस्ता हो सकता है, उनको मेरे फार्म भाई को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, उनके इन जो हमारे रिप्लान के ऊपर सब्सिडी भी मिल जाएगी जी। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, मेरे फार्म भाई क्या होते हैं हमें ही पूछते रहते हैं भाई सब्सिडी कैसी आएगी जी। अरे भाई, थोड़ा सा मेहनत करे, हो सकता है आपका फायदा। हाँ, जो फार्म भाई इसको सस्ता करना चाहते हैं, हो सकता है ये मशीन मात्र 30-35,000 में ही पड़ जाए, उनके लिए मेरे फार्म भाई को कृषि विभाग में जाए, ब्लॉक ऑफिसर से मिले, उनको पूछे क्या कागज चाहिए, वो मांगेंगे आधार कार्ड मांगेंगे, बैंक की पासबुक मांगेंगे, हमारी कंपनी की कोटेशन मांगे, वो चीजें उनको दीजिए। हाँ, सब्सिडी हर एक किसान को मिलती है, लेकिन उसके लिए हर स्टेट का अलग अलग नियम होता है। मैं चाहता हूँ मेरे फार्म भाई ब्लॉक ऑफिसर से मिले। दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो, कैसी लगी है राय जरूर देना। राजा भाई कह के नहीं दिखाते, करने में सक्षम है, करके दिखाते हैं कि क्या चीज एक्चुअल में है। दोस्तों, कमेंट में जय जवान जय किसान जरूर लिखे, और मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।